A very warm good morning to all of you. Next topic is convection. Generally students, जब convection के बारे में बात करते हैं, पढ़ते हैं किसी भी book में से, तो उन्हें convection के ढेर सारी chapters नजर आते हैं, और उन chapters में होती हैं ढेर सारी equations, ढेर सारी derivations, ढेर सारे graphs, figures, और जब वो उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो almost सभी बच्चों को उसमें कुछ भी समझ नहीं आता। पर चिंता की एक भी परसेंट की कोई बात नहीं है। ये जो कन्वेक्शन के ऊपर जो ये लेक्चर है, ये तीन पार्ट्स में बनाया गया है। अगर आप इन तीनों पार्ट्स को देख लेते हैं, तो आप कन्वेक्शन के किसी भी क्वेश्चन को, कन्वेक्शन के आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और सच्चाई है कि अगर आप सिर्फ पार्ट वन को अगर आप पूरा देख लेते हैं, तो आप कन्वेक्शन के 75% ऑफ द क्वेश्चंस को बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे सभी लेक्चर्स मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, या फिर मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। हमारे नोट्स जो भी हैं वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको समझ आया है या नहीं आया है, या आप कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप उसे नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कन्वेक्शन। रजे, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि सर्दियों के अंदर जब भी मतलब कहीं पे गर्म खाना या चाय रखी होती है, तो उसमें से धुएं से निकल रहे होते हैं, ठीक है ना? मतलब अगर आप उसे ध्यान से देखें, तो आपको वो जो गर्म खाने में से जो धुआं निकल रहा है, आपको उसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट क्लियरली नजर आती है, ठीक है? या फिर अगर आपको किसी चीज को जल्दी ठंडा करना हो, तो आप उसमें मदद लेते हैं पंखे की, ठीक है? आप फैन ऑन कर देते हैं और खाना जो है या चाय जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। आप चाय को अगर ठंडा करना तो फूंक मारते हैं, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं कन्वेक्शन का। एक्चुअली राजे, हीट ट्रांसफर के तीन मोड्स होते हैं, पहला है कंडक्शन, दूसरा है रेडिएशन, और तीसरा है कन्वेक्शन। कंडक्शन के अंदर जो हीट होती है वो मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल ट्रांसफर होती है। मतलब एक मॉलिक्यूल है, उससे हीट दूसरे में जाएगी, उससे हीट तीसरे में जाएगी, उससे हीट चौथे मॉलिक्यूल में जाएगी। इस तरह से मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल हीट ट्रांसफर होती है। रेडिएशन के अंदर कोई भी बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर अपने अंदर से ईएम वेव्स, थर्मल रेडिएशन एमिट करती है। वो बेसिकली कुछ नहीं होते, दे आर फोटोन्स और पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और जो वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी किसी दूसरी बॉडी पे जाके स्ट्राइक करते हैं, वहां पर वो एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है? तो ये रेडिएशन में इस तरह से ट्रांसफर होता है। कन्वेक्शन थोड़ा अलग है, ठीक है? कन्वेक्शन में क्या चीज़ है, क्या कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल जैसे कि अभी मैंने कहा कि आपको भाप निकलती हुई नजर आ रही है, आपको पार्टिकल्स मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। कन्वेक्शन में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, क्या कि जो पार्टिकल है एयर का या फ्लूइड का, वो एक बॉडी से हीट लेता है, और वो बॉडी से हीट लेने के बाद खुद मूव करके कहीं और जाता है, और वहां पे जाके हीट दे के आता है, ठीक है? मतलब वो पार्टिकल है, पार्टिकल ने इस बॉडी से हीट ली और वो खुद मूव कर रहा है और कहीं और जाके वहां पर हीट देकर आएगा, ठीक है? सो दिस इज कन्वेक्शन, ये होता है कन्वेक्शन, ठीक है? अब पार्टिकल की मूवमेंट दो रीजन से हो सकती है। हम सभी जानते हैं कि जो गर्म हवा है वो हल्की होती है, या गर्म फ्लूइड जो है वो हल्का होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है। तो जैसे ही फ्लूइड गर्म होगा, हवा गर्म होगी, वो हल्की हो जाएगी, और हल्का होने की वजह से वो धीरे धीरे ऊपर उठेगी, ठीक है? तो हो सकता है कि जो मूवमेंट है वो हो बाय द वर्च्यू ऑफ चेंज इन डेंसिटी, ठीक है? तो ऐसे में कन्वेक्शन को हम नाम देते हैं फ्री कन्वेक्शन का। और अगर आपको कन्वेक्शन प्रोसेस को, कूलिंग प्रोसेस को स्पीड अप करना हो, तो आप बेसिकली क्या करते हैं, आप फैन ऑन कर देते हैं, या आप चाय के कप को फूंक मार रहे हैं, ठीक है? तो आप जो हवा को मूव करा रहे हैं, चाहे आप फैन से मूव करा रहे हैं या फिर आप फूंक मार के मूव करा रहे हैं, आप हवा को खुद फोर्सफुली मूव करा रहे हैं। सो द कन्वेक्शन इज दैट, कन्वेक्शन इज नोन एज फोर्स्ड कन्वेक्शन, ठीक है? तो ये है कन्वेक्शन। तो जैसे कंडक्शन का हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला है माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, या रेडिएशन का फॉर्मूला है एरिया इंटू सिग्मा टी रेज टू पावर 4, ठीक इसी तरह से कन्वेक्शन का भी हीट ट्रांसफर का हमारे पास फॉर्मूला है, एंड दैट इज क्यू इज इक्वल टू एच ए टी वॉल माइनस टी इंफिनिटी, ठीक है?
तो हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला है इन केस ऑफ कन्वेक्शन, चाहे फ्री हो चाहे फोर्स्ड हो, जो हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू एच ए टी वॉल माइनस टी इंफिनिटी। ठीक है, जहां पर क्यू है अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर पर सेकेंड, और ये होता है वॉट्स में। ठीक है, वॉट्स में। ए इज एरिया, एरिया ठीक है, और ये होता है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, टी डब्ल्यू इज टेम्परेचर ऑफ वॉल जिससे हीट निकल रही है, टी इन्फिनिटी इज एम्बियंट टेम्परेचर या हवा का टेम्परेचर। ठीक है, और टी वॉल माइनस टी इन्फिनिटी ये हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है, तो टेम्परेचर्स या टेम्परेचर का डिफरेंस इट में आइदर बी इन डिग्री सेल्सियस और इट कैन बी इन कैल्विन। हम जानते हैं कि चाहे डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो या चाहे कैल्विन का डिफरेंस हो वो सेम रहता है। ठीक है, तो इट कैन बी आइदर इन डिग्री सेल्सियस और इन कैल्विन। ठीक है, अब यहां पर एक कॉन्स्टेंट है एच, विच इज वट इज नोन एज कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है इन यूनिट्स वॉट्स पर मीटर स्क्वायर कैल्विन और मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट। ठीक है, इस लॉ को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, जो इस लॉ को हमने क्या नाम दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर हीट ट्रांसफर इन केस ऑफ कन्वेक्शन। ठीक है, तो अब हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन बड़े आराम से निकाला जा सकता है। क्यू की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू एच इंटू एरिया, जितने एरिया में से हीट निकल रही है, दिस इज माई टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द वॉल एंड एम्बियंट टेम्परेचर, हवा का टेम्परेचर, इन दोनों का डिफरेंस है, और आता है कॉन्स्टेंट एच। ठीक है, राजी आपने जो वो तीन चैप्टर्स देखे थे बुक के अंदर, ठीक है, इंट्रोडक्शन और फ्री फोर्स्ड और बॉइलिंग है, जितने भी चैप्टर्स आपने हीट ट्रांसफर की किताब में देखे हैं, उन सभी चैप्टर्स के अंदर हम सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, सिर्फ एक ही काम सभी चैप्टर्स के अंदर, और वो क्या, हम इस हमारा जो मकसद है इस लेक्चर का, अपने तीनों पार्ट्स का जो मकसद है कन्वेक्शन के चैप्टर का, किताब के अंदर सभी चैप्टर्स का, वो एक ही मकसद है, क्या, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कॉफिशियंट ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट स्मॉल एच है, हमारा पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही मकसद है कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाली किस तरह से जाती है, क्या एक्चुअली ये कहां से शुरू होता है, हमारा मेन एम इसके अंदर है कि हमें कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर एच की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आइए स्टडी करते हैं क्या। सपोज कीजिए हमारे पास एक वॉल है या एक फ्लैट प्लेट है, हमारे पास एक फ्लैट प्लेट है। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है, इस प्लेट का जो टेम्परेचर, दैट्स टी वॉल। ठीक है, यह है टी वॉल, और यहां पर एक हवा, यहां पर हवा चल रही है। ठीक है, ये हवा चल रही है और इस हवा का जो टेम्परेचर है, दैट इज टी इन्फिनिटी। ठीक है, तो जो हवा का टेम्परेचर है, दैट इज टी इन्फिनिटी। तो ये हवा चल रही है, यहां पर ये हमारे पास प्लेट है, इसका टेम्परेचर टी वॉल, इसका है टी इन्फिनिटी, और यहां से ही ट्रांसफर होगा, यहां से इसमें ही ट्रांसफर होगा, एंड से दैट इज क्यू। ठीक है, या फिर हम फ्लक्स ले सकते हैं स्मॉल क्यू, दैट विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, आप फ्लक्स ले सकते हैं स्मॉल क्यू, दैट विल बी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, तो एक्चुअल में कन्वेक्शन ये बहुत ज्यादा डीपली रिलेटेड है फ्लूइड मैकेनिक्स से, स्पेशली बाउंड्री लेयर का जो चैप्टर है उससे इसका बहुत तगड़ा रिलेशन है। सारा कन्वेक्शन हमने डेवलप ही बाउंड्री लेयर की मदद से किया है। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब ये, मतलब यहां पे हवा चल रही है, ठीक है, इस हवा की सपोज कीजिए वेलोसिटी है यू इन्फिनिटी, हवा की जो वेलोसिटी है दैट इज यू इन्फिनिटी, तो हम जानते हैं कि जो हवा है, देर इज समथिंग कॉल्ड नो स्लिप कंडीशन, देर इज समथिंग कॉल्ड नो स्लिप कंडीशन। जो हवा है जैसे वो इस प्लेट के कॉन्टैक्ट में आएगी, तो नो स्लिप कंडीशन की वजह से जो हवा की लेयर इस प्लेट को टच करेगी, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं क्या कि इस प्लेट के ऊपर डेवलप होती है एक बाउंड्री लेयर। ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं कि इस प्लेट के ऊपर डेवलप होती है एक बाउंड्री लेयर। ठीक है, बाउंड्री लेयर क्या होता है, देखिए नो स्लिप कंडीशन की वजह से हवा की वेलोसिटी प्लेट के ऊपर कितनी है, दैट्स जीरो, यह है जीरो। ठीक है, और जैसे से आगे जाते जाएंगे, जैसे से आगे जाते जाएंगे, हवा की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी,
और एट द एंड एक दूरी पर आके ये हो जाएगी यू इन्फिनिटी, ठीक है। तो वो रीजन जिसके अंदर वेलोसिटी जीरो से लेकर यू इन्फिनिटी तक चेंज होती है, ठीक है, मतलब जीरो से लेकर यू इन्फिनिटी तक चेंज होती है, दैट रीजन इज व्हाट इज नोन एज बाउंड्री लेयर, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के बाउंड्री लेयर वो रीजन है जहां पर हमें वेलोसिटी का चेंज मिलता है, वेलोसिटी के ग्रेडियंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो रीजन है दैट्स बाउंड्री लेयर, इसमें हमें वेलोसिटी का चेंज मिल रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या चीज है, क्या कि कन्वेक्शन, राजे बिल्कुल सही बात है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कन्वेक्शन होता तो है फ्लूइड की मूवमेंट की वजह से, ठीक है, पर फ्लूइड की एक लेयर ऐसी होती है जो इस प्लेट के साथ, इस गर्म प्लेट के साथ स्टिक कर गई है, ठीक है, स्टिक कर गई है नो स्लिप कंडीशन की वजह से। सो एज अ रिजल्ट यहां पर क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, वो रुक गए हैं, मॉलिक्यूल्स जो है वो रुक गए हैं और वो मूव नहीं कर रहे, उनके अंदर जो प्लेट से जो हीट ट्रांसफर होता है इट इज वाया कंडक्शन, ठीक है। ये बात सही है कि बाद में पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है, पर नो स्लिप कंडीशन की वजह से जो पार्टिकल्स प्लेट के साथ हैं वो उसके साथ स्टिक कर गए हैं और वो वहीं रुके रहते हैं, और उन पार्टिकल्स के अंदर जो प्लेट से जो हीट का ट्रांसफर होता है इट इज वाया कंडक्शन, ठीक है। तो जो हीट राजे बाद में कन्वेक्ट हो रही है, सच्चाई ये है कि वो हीट शुरुआत में प्लेट से कंडक्ट होती है शुरुआती फ्लूइड की लेयर्स में, ठीक है। तो इससे हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है, क्या कि फ्लक्स यानी कि जो कि है क्यू हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया फ्लक्स वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो यहां पर हीट का ट्रांसफर हो रहा है इसका फॉर्मूला क्या होगा, वाया कंडक्शन, कंडक्शन के ऐसे इसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस के एरिया यहां पे है डी टी बाय डी एक्स, ठीक है, माइनस के डी टी बाय डी एक्स एट, सॉरी क्योंकि यहां पर ये दैट्स माय वाई कोऑर्डिनेट, ये है मेरा वाई कोऑर्डिनेट और ये है मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो हमारे पास यहां पर वाई आएगा, ठीक है, एट वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एट वाई इज इक्वल टू जीरो, या फिर मैं कह रहा हूं वॉल पर, ठीक है, और यही मेरा क्या बन जाएगा, ये है मेरा हीट कंडक्टेड और यही मेरा बाद में क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम माय हीट कन्वेक्टेड, दैट इज एच टी वॉल माइनस टी इंफिनिटी, ठीक है। तो जो हीट है ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसमें डायरेक्ट इसी डिस्कशन पे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है कि जो भी हीट निकल रही है वो पहले कंडक्ट हो रही है बाद में कन्वेक्ट हो रही है, ठीक है। तो कंडक्शन का फॉर्मूला है माइनस के डी टी बाई डी वाई एट वाई इज इक्वल टू जीरो, जड़ के अंदर बिल्कुल वॉल में, वॉल को टच करते हुए, इज इक्वल टू एच टेम्परेचर ऑफ वॉल माइनस टेम्परेचर ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस इक्वेशन की वजह से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पूरे तीनों लेक्चर्स का एक ही मकसद है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, इस इक्वेशन की मदद से हम अपना हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट एच निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, एच इज इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी वाई एट वाई इज इक्वल टू जीरो, या फिर वॉल पे डिवाइडेड बाय टी वॉल माइनस टी इंफिनिटी, ये ठीक है। सो दिस इज माय इक्वेशन, ठीक है। हमारा एक ही मकसद है, हमारा दूसरा कोई एम नहीं है, हमारा एक ही मकसद है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, और हमने उसका फॉर्मूला निकाल लिया है। उसका फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस के डी टी बाई डी वाई एट वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ वॉल माइनस टेम्परेचर ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या कि टेम्परेचर एम्बियंट एयर का हमें दे रखा है प्रॉब्लम के अंदर, वॉल का टेम्परेचर हमें मालूम है, थर्मल कंडक्टिविटी फ्लूइड की हमें मालूम है, मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए अगर मैं एच की वैल्यू निकालना चाहता हूं, दैट इज माई टेम्परेचर ग्रेडियंट डी टी बाई डी वाई एट वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर निकालना है एट वॉल, वॉल की बिल्कुल दीवार की जड़ में एट माई वाई इज इक्वल टू जीरो, अगर मैं डी टी बाई डी वाई अगर निकालने में कामयाब हो जाता हूं तो मैं एच की वैल्यू बड़े ही आराम से निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम को एक स्टेप और आगे ले आए हैं, ठीक है। तो अब हमने एच का फॉर्मूला हमने डेवलप कर लिया है
और हमें इसकी मदद से अब इस फॉर्मूले की वजह से एच की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि डी टी बाई डी वाई ये किस तरह से आएगा, किस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक बिल्कुल ही नया कंसेप्ट आता है, बिल्कुल ही नया कंसेप्ट आता है थर्मल बाउंड्री लेयर का, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि थर्मल बाउंड्री लेयर है क्या, तो उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप पूछ रहे हैं थर्मल बाउंड्री लेयर क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूं हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर या सिंपली बाउंड्री लेयर क्या होती है, ठीक है। अब अभी भी हमने बताया था कि बाउंड्री लेयर क्या होता है, बाउंड्री लेयर वो रीजन है फ्लूइड का, वो रीजन है जहां पर फ्लूइड की वेलोसिटी चेंज करती है फ्रॉम जीरो से लेकर यू इंफिनिटी तक, ठीक है, जहां पर फ्लूइड की वेलोसिटी चेंज करती है फ्रॉम जीरो टू यू इंफिनिटी, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से बाउंड्री लेयर के अंदर वेलोसिटी फ्लूइड की जीरो से यू इंफिनिटी तक चेंज करती है, जिस प्रकार इस ये वो रीजन है जिसके अंदर हमें वेलोसिटी के ग्रेडियंट्स मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार थर्मल बाउंड्री लेयर वो रीजन है जहां पर हमें टेम्परेचर के वेरिएशंस मिलते हैं, ठीक है। थर्मल बाउंड्री लेयर वो रीजन है जहां पर हमें टेम्परेचर के वेरिएशंस मिलते हैं, ठीक है। तो समझने के लिए क्या चीज क्या, कि जिस तरह से ये हमारी थर्मल, ये हमारी बाउंड्री लेयर बन रही है, ठीक है, ठीक इसी प्रकार हमारी एक थर्मल बाउंड्री लेयर भी बन रही है, ठीक है। इस थर्मल बाउंड्री लेयर की खास बात क्या है, क्या कि यहां पर सोचिए नो स्लिप कंडीशन है, फ्लूइड इसी दीवार के ही टच में था, है और रहेगा, तो इस एटम के, फ्लूइड के इस एटम का टेम्परेचर क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू टी वॉल, ठीक है। और जो फ्लूइड आगे निकल रहा है यहां पे एक ऐसा पार्टिकल आएगा जिसका टेम्परेचर क्या होगा, दैट विल बी माई टी इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये वो रीजन है जिसके अंदर जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर चेंज होता है फ्रॉम टी वॉल टू टी इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपको समझ आ गया क्या कि थर्मल बाउंड्री लेयर वो रीजन है जिसके अंदर टेम्परेचर फ्लूइड का चेंज होता है फ्रॉम टी वॉल से लेकर टी इन्फिनिटी तक, ठीक है। समझना थोड़ा आसान रहेगा, सिर्फ इसी चीज के लिए कह रहा हूं, सिर्फ इसी चीज के लिए। आप सोचिए कि फ्लूइड का टेम्परेचर है ज्यादा और वॉल का टेम्परेचर है कम, ठीक है। तो अगर ऐसा अगर हम कहेंगे तो आप इस ग्राफ को थोड़ा बेटर वे के अंदर डाइजेस्ट कर पाएंगे, ठीक है ना, कि फ्लूइड का यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, वॉल का टेम्परेचर कम है। जैसे से फ्लूइड वॉल की तरफ जा रहा है या जैसे से पॉइंट वॉल की तरफ जा रहा है उसका टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है। सिर्फ इसी पॉइंट के लिए कह रहा हूं, आगे कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, फ्लूइड का टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है या वॉल का टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या चीज है राजे, दिस इज व्हाट इज नोन एज थर्मल बाउंड्री लेयर, ठीक है। तो जिस तरह से हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर या फिर सिंपली बाउंड्री लेयर के अंदर हम वेलोसिटी का प्रोफाइल हम ड्रॉ करते हैं, वेलोसिटी के प्रोफाइल की हम इक्वेशन लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार हम चाहें तो इस टेम्परेचर के वेरिएशन के लिए भी हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम एक इक्वेशन खुद बना सकते हैं जो इस टेम्परेचर के वेरिएशन को शो करे। तो क्वेश्चन ये है कि वो जो इक्वेशन हम लिखेंगे, वो जो पॉलिनोमियल हम लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन ये कि वो किन किन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस क्या होनी चाहिए। तो बाउंड्री कंडीशंस हम जानते हैं क्या, कि बाउंड्री कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कि एट वाई इज इक्वल टू जीरो टेम्परेचर फ्लूइड का क्या होना चाहिए, टी वॉल, ठीक है, दीवार की जड़ में टेम्परेचर कितना होगा, टी वॉल, ठीक है। एंड वाई इज इक्वल टू डेल्टा टी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टी इन्फिनिटी, ठीक है। और क्या चीज, अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि व्हाट इज डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी क्या चीज है राजी, डेल्टा टी है किसी भी पॉइंट पे, जैसे सपोज कीजिए मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, डेल्टा टी क्या चीज है, डेल्टा टी इज द थिकनेस और द डिस्टेंस, ये जो दूरी है, दैट्स माई डेल्टा टी इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहां पर जो टेम्परेचर है इट इज 0.99 टाइम्स टी इन्फिनिटी, ठीक है। ये मैं बिल्कुल गलत बता रहा हूं आपको,
ये मैं आपको इसलिए अभी इस तरह से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। अभी सिर्फ 2 मिनट में मैं इसको रेक्टिफाई कर दूंगा, ठीक है। समझने के लिए क्या चीज, कि डेल्टा टी वो दूरी है, वो दूरी है जहां पर, जिस तरह से यहां पर राजे डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा इज दैट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल जहां पर वेलोसिटी यू की वैल्यू क्या होती है, 0.99 टाइम्स यू इंफिनिटी, ठीक है। उसी तरह से अभी हम ये गलत कर रहे हैं, अब इसको 2 मिनट में रेक्टिफाई कर लेंगे, क्या कि डेल्टा टी थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस, इट इज द पॉइंट जहां पर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0.99 टाइम्स टी इन्फिनिटी, ठीक है। अभी से बिल्कुल 2 मिनट में रिपेयर कर लेंगे हम, ठीक है। तो यहां पर टेम्परेचर क्या आएगा, दैट टेम्परेचर इट विल बी इक्वल टू टी इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरा, क्योंकि यहां पे जाके जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाता है, यहां पे जाके टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, सो एट वाई इज इक्वल टू डेल्टा टी दूसरी कंडीशन क्या आएगी, डी टी बाय डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट पे जाके जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो खत्म हो जाएगा, सो देर विल बी नो ग्रेडियंट, सो डी टी बाई डी वाई दैट विल बी इक्वल टू जीरो। और तीसरी चीज, जो चौथी कंडीशन है वो है नो विस्कस हीटिंग की, मतलब इसके हमें कोई ऐसा समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इतना कि नो विस्कस हीटिंग की वजह से डी स्क्वायर टी बाई डी वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है जीरो एट वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब हमारे पास चार कंडीशन आ गई कि यहां पर इस पॉइंट पर टेम्परेचर की वैल्यू है टी वॉल, और डी स्क्वायर टी बाई डी वाई स्क्वायर यह है जीरो, ठीक है। जैसे वहां पर बाउंड्री लेयर सेपरेशन ना हो उसकी कंडीशन भी यही होती है, डी स्क्वायर यू बाई डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, उसी तरह से डी स्क्वायर टी बाई डी वाई स्क्वायर इज ऑल्सो जीरो, ठीक है ना। और दूसरा, एट वाई इज इक्वल टू डेल्टा टी जो टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर दैट विल बी माई टी इन्फिनिटी, 0.99 टाइम्स इसलिए किया क्योंकि टी इन्फिनिटी टेम्परेचर ये बहुत ज्यादा दूर जाके होगा, ठीक है ना, या एक तरह से न्यूमेरिकली कहें तो कभी पहुंचता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम 0.99 टाइम्स टी इन्फिनिटी ले रहे हैं, और चेंज इन टेम्परेचर इस पॉइंट पे जाके ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, जीरो, ठीक है। तो ये चार कंडीशंस को पुट करने के लिए हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का सहारा ले सकते हैं, और वो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो आती है, इस रिलेशन को मैं नोट कर लेता हूं, ये वाला जो हमने अभी ड्राइव किया है, ठीक है, जो रिलेशन हमें चाहिए होगा, दैट इज एच इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी वाई एट वाई इज इक्वल टू जीरो ओवर टी वॉल माइनस टी इन्फिनिटी, ठीक है। इसको मैं नोट कर लेता हूं, ठीक है। तो वो जो इक्वेशन है जो हमारे टेम्परेचर प्रोफाइल को शो करती है, बहुत सारी इक्वेशंस हैं, पर जो उनसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है वो कौन सी है, दैट इज टी माइनस टी वॉल डिवाइडेड बाय टी इन्फिनिटी माइनस टी वॉल, ठीक है। टी टेम्परेचर एट एनी पॉइंट माइनस टी वॉल डिवाइड बाय टी इन्फिनिटी माइनस टी वॉल इज इक्वल टू 3/2 वाई बाय डेल्टा टी माइनस हाफ वाई बाय डेल्टा टी क्यूब, ठीक है। सो द इक्वेशन इज टी माइनस टी वॉल डिवाइड बाय टी इन्फिनिटी माइनस टी वॉल इज इक्वल टू 3/2 y बाय डेल्टा टी माइनस हाफ y बाय डेल्टा टी का होल का क्यूब, ठीक है। सो दिस इज माई इक्वेशन, ठीक है। आपने एक चीज गौर करी, दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर प्रोफाइल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये है टेम्परेचर एट एनी पॉइंट, ये है टेम्परेचर एट द वॉल, ये टेम्परेचर एट डेल्टा टी मतलब डेल्टा टी दूरी के बाद, या फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर, या टेम्परेचर ऑफ वॉल, सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज थीटा बाय थीटा इन्फिनिटी, ठीक है। ये टी माइनस टी वॉल, सो लेट सपोज कीजिए, लेट थीटा इज इक्वल टू टी माइनस टी वॉल, ठीक है। तो थीटा मैंने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया है, टी माइनस टी वॉल, तो इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या होगी, टी वॉल टी इन्फिनिटी माइनस टी वॉल, तो उसका जो प्रोफाइल है वो ये आ गया, ठीक है ना। तो अब आपको शायद समझ आ गया होगा, एक्चुअल में ये वो पॉइंट नहीं है जहां पर 0.99 टाइम्स टेम्परेचर टी इन्फिनिटी हो जाएगा, ये वो पॉइंट है जहां पर जो थीटा की वैल्यू है, थीटा इट बिकम्स 0.99 टाइम्स टी इन्फिनिटी, थीटा इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब उस टाइम पे मैं बोलता तो एकदम से आप ग्रास्प ना कर पाते,
ठीक है ना. पर अब आपको समझ आ गया कि ये बेसिकली डिफरेंस की इक्वेशन है, डिफरेंस किसी पॉइंट के टेम्परेचर का और वॉल के टेम्परेचर का. ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ये इस पॉइंट पर होता है जीरो, ठीक है, और इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए 0.99 टाइम्स टी इन्फिनिटी माइनस टी वॉल. ठीक है, तो खैर ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं, जरूरत नहीं है इसकी. मेन क्या हमें क्या चाहिए, हमारे पास ये टेम्परेचर का प्रोफाइल आ गया है. ठीक है, इस टेम्परेचर की प्रोफाइल की मदद से हम टेम्परेचर की इक्वेशन बना सकते हैं, और वो क्या है, टी इज इक्वल टू टी वॉल प्लस ये टर्म उधर चली जाएगी टी इन्फिनिटी माइनस टी वॉल ब्रैकेट में 3/2 वाई बाय डेल्टा टी माइनस हाफ वाई बाय डेल्टा टी का क्यूब. That's my temperature profile. ठीक है, तो इस equation की मदद से मैंने अपने temperature की equation निकाल लिए. ठीक है, और अब इस temperature की equation की मदद से मैं dT by dy की value निकालूंगा at y is equal to 0. ठीक है, तो निकालते हैं dT by dy की value at y is equal to 0. ठीक है, तो T wall का derivative जीरो हो जाएगा, ये कांस्टेंट है. ठीक है, इज इक्वल टू टी इन्फिनिटी माइनस टी वॉल. ठीक है, टी इन्फिनिटी माइनस टी वॉल ब्रैकेट स्टार्ट्स. ठीक है, अब क्या आएगा, 3/2 वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, वाई का डेरिवेटिव होगा 1. सो व्हाट आई गेट इज 3/2 डेल्टा टी, 3/2 डेल्टा टी माइनस हाफ ऑफ क्या आ जाएगा यहां पर, माइनस हाफ ऑफ 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी का क्यूब. ठीक है, ये आ जाएगा, और इसमें मुझे वैल्यू क्या पुट करनी है एट वाई इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, ये आ गया. अब मजे की बात ये है कि जब मैं वाई को जीरो पुट करूंगा, यानी कि मैं पॉइंट लूंगा इस वॉल के ऊपर, वाई को जीरो पुट करूंगा, तो वाई स्क्वायर जीरो का स्क्वायर ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी. ठीक है, तो मेरी डी टी बाय डी वाई की वैल्यू एट वाई इज इक्वल टू जीरो ये आ रही है, मेरे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी ये वाली, ये, और ये क्या आ जाएगी 3 इंटू टी इन्फिनिटी माइनस टी वॉल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी. ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस डायरेक्टली एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा. ठीक है, मतलब व्हाट दे डू इज दे गिव यू द टेम्परेचर प्रोफाइल, आपको टेम्परेचर प्रोफाइल की इक्वेशन देते हैं और आपसे कहते हैं कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच. ठीक है, तो एच में टेम्परेचर प्रोफाइल की क्वेश्चन आ गई, उससे आप टेम्परेचर के क्वेश्चन बना सकते हैं, और इस टेम्परेचर को आप वाई से डिफरेंशिएट करके डी टी बाई डी वाई निकाल लेंगे, और वाई की वैल्यू अगर आप जीरो पुट करेंगे तो एट द वॉल दीवार पर एट वाई इज इक्वल टू जीरो डी टी बाई डी वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जो कि ये आ गई है. ठीक है ना, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इसे अपने इस रिलेशन में पुट करना है और हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, सो लेट्स ट्राई. तो दिस इज इक्वल टू माइनस के बाय टी वॉल माइनस टी इन्फिनिटी. ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं मल्टीप्लाइड बाय व्हाट आई गेट इज 3/2 डेल्टा टी, ऊपर है टी इन्फिनिटी माइनस टी वॉल. ठीक है, तो ये चीज है. अब देखिए, गौर कीजिए, टी वॉल माइनस टी इन्फिनिटी, ये टी इन्फिनिटी माइनस टी वॉल. ठीक है, तो ये माइनस और ये इससे कट जाएगा, तो मेरे पास एच की वैल्यू आ गई. एच की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, इट इज 3k डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी. दिस इज माय क्वेश्चन. ठीक है, तो एच की वैल्यू, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, इट इज 3k डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी. ठीक है, ये जो एनालिसिस एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है. ठीक है ना, तो अब एक नई प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने. क्या कि डेल्टा टी हमें इसकी वैल्यू चाहिए अगर हम एच निकालना चाहते हैं. यानी कि अगर आप किसी पॉइंट पर कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर की अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की, तो उसके लिए आपको उस पॉइंट पर थर्मल बाउंड्री लेयर की थिकनेस चाहिए होगी, डेल्टा टी की थिकनेस चाहिए होगी. ठीक है, तो ये किस तरह से निकाला रिसर्चर्स ने, ये भी अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. क्या
एक्चुअली अजय सच्चाई है कि जो फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड्स का रिसर्च पहले हो गया था, मतलब बाउंड्री लेयर की पूरी रिसर्च पहले हो चुकी थी, और कन्वेक्शन के ऊपर जो रिसर्च है वो बाद में हुई है, ठीक है ना। तो राजे जब मतलब रिसर्च कर रहे थे, ठीक है, तो एक रिलेशन आता है हमारे पास, या आपने फ्लूइड्स के अंदर जरूर पढ़ा होगा, दैट इज मोमेंटम इक्वेशन, फ्लूइड्स की जो मोमेंटम इक्वेशन है, एंड इट इज यू कर्ली यू बाय कर्ली एक्स प्लस वी कर्ल यू बाय कर्ल वाई इज इक्वल टू काइनेटिक विस्कोसिटी न्यू कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो रिलेशन है यू कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस वी कर्ल यू बाय कर्ल वाई इज इक्वल टू, दिस इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दैट इज विस्कोसिटी डिवाइड बाय रो डेंसिटी, कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल वाई स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिकली मोमेंटम इक्वेशन है हमारे पास फ्लूइड्स के अंदर, जो हम बाउंड्री लेयर के अंदर डेवलप करते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन आ रही थी फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, जब इसे फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर एनर्जी का एनालिसिस किया गया, एनर्जी का, ये बेसिकली फोर्स को इक्वेट करके ये क्वेश्चन आती है, जब एनर्जी को इक्वेट किया गया, एनर्जी इंट्रैक्शन को जब स्टडी किया गया, तो इस इक्वेशन को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तब हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई वो इक्वेशन क्या थी, दैट वाज यू यू कर्ल टी बाय कर्ल एक्स प्लस वी कर्ल टी बाय कर्ल वाई इज इक्वल टू अल्फा, दैट इज थर्मल डिफ्यूजिविटी, कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो बाउंड्री लेयर का एनालिसिस फ्लूइड्स का पहले सारा कुछ पूरी रिसर्च हो चुकी थी, कन्वेक्शन की बाद में हुई, तो जब कन्वेक्शन के लिए एनर्जी का एनालिसिस किया गया तो इक्वेशन निकल के ये आई। ठीक है, ये वो इक्वेशन है जो हमारी थर्मल बाउंड्री लेयर को रेगुलेट करती है, और ये वो इक्वेशन है जो हमारी हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर या सिंपली बाउंड्री लेयर को रेगुलेट करती है। ठीक है, तो आप इन दोनों इक्वेशंस की सिमिलैरिटी देख सकते हैं। ठीक है, मतलब हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, उसके अंदर चीज होती है जो वेरी कर रही है, दैट्स यू, थर्मल बाउंड्री लेयर जिसमें वेरी कर रहा है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, बाकी सारे इक्वेशन सेम है। ठीक है, फर्क कहां पे है, फर्क है यहां पर, क्या है यहां पर, है हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी, या फिर कुछ लोग इसे मोमेंटम डिफ्यूजिविटी भी बुलाते हैं। ठीक है, और यहां पर है हमारे पास थर्मल डिफ्यूजिविटी। ठीक है, तो साइंटिस्ट के, रिसर्चर्स के दिमाग में जो सीधा एक ही पॉइंट स्ट्राइक किया, क्या कि यार हो ना हो इन दोनों प्रोफाइल्स के अंदर, मतलब जो बाउंड्री लेयर की जो शेप है और जो थर्मल बाउंड्री लेयर की जो शेप है, उन दोनों के अंदर कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट उनके दिमाग में आया क्या, कि जो थर्म हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस है डेल्टा, और जो थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस है डेल्टा टी, इन दोनों के बीच में भी कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट उनके दिमाग में आया वो क्या था, क्या कि जो हमारा यहां पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, ये कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है हमारी बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा को, और जो हमारी ये मोमेंटम थर्मल डिफ्यूजिविटी है, थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा, ये कहीं ना कहीं रेगुलेट करती है हमारी बाउंड्री लेयर, थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा टी को। ठीक है, ये उन्होंने सिर्फ शुरुआत में गेस किया था, उसके बाद उन्होंने रिसर्च करी एंड दे फाउंड दैट दे वर करेक्ट, वो लोग सही थे, एंड द रिलेशन इन दोनों की जो थिकनेस है उसके बीच में जो रिलेशन उन लोगों ने निकाला, दैट वाज डेल्टा बाय डेल्टा टी। डेल्टा की चीज है बाउंड्री लेयर थिकनेस, इसके फॉर्मूले आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स में अवेलेबल है हर सिचुएशन के लिए। डेल्टा टी है थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस, ये मैं निकालना चाहता हूं। ठीक है, इसकी थिकनेस मुझे निकालनी है। ठीक है, तो जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बाय द रिलेशन डेल्टा बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्रांटल प्रांटल रेज टू पावर 1/3। ठीक है, इस इक्वेशन के ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, सो डेल्टा बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्रांटल रेज टू पावर 1/3। ठीक है,
मतलब क्या चीज, क्या यहाँ पे प्रांटल क्या चीज है? व्हाट इज प्रांटल? प्रांटल इज प्रांटल नंबर, ये डायमेंशनलेस नंबर है, विच इज गिवन बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय थर्मल डिफ्यूजिविटी। ठीक है, तो प्रांटल नंबर क्या होता है? इट इज द रेशियो, रेशियो ये भी एग्जाम्स में आता है। प्रांटल नंबर क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय थर्मल डिफ्यूजिविटी। ठीक है, काइनेटिक विस्कोसिटी ये क्या होती है? म्यू डिवाइडेड बाय रो। ठीक है, थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होती है? के डिवाइडेड बाय रो सी पी। ठीक है, तो रो से रो कट जाएगा, व्हाट वी गेट इज, इट इज म्यू सी पी बाय के। ये क्या है? दैट्स माई प्रांटल नंबर। ठीक है, तो वो लोग बिल्कुल सही थे। ठीक है ना, प्रांटल नंबर, प्रांटल नंबर ये क्या चीज है? इट इज काइनेटिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय अल्फा रेस्ट पावर 1/3। ठीक है, प्रांटल नंबर ये चीज है, बिल्कुल सही थे वो। क्या कि जो काइनेटिक विस्कोसिटी है ये हमारी बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा को रेगुलेट कर रही है, और जो हमारी थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा है ये हमारी डेल्टा टी को रेगुलेट कर रही है। ठीक है, सो द रिलेशन दैट दे फाउंड इज डेल्टा बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्रांटल रेज टू पावर 1/3। इस रिलेशन के ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा। वे प्रांटल नंबर इज रेशियो ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी टू थर्मल डिफ्यूजिविटी, और ये क्या होता है? इट इज म्यू सी पी बाय के। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्या कि म्यू क्या चीज है? विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी। सीपी क्या चीज है? इट इज स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। के क्या चीज है? के इज थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो किसी भी फ्लूइड्स के लिए ये तीनों ही टर्म्स हमें ऑलरेडी मालूम होती हैं, यानी कि प्रांटल नंबर हर चीज का, हर फ्लूइड का हमें ऑलरेडी पता होता है। ठीक है, तो प्रांटल नंबर ये फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है जो कि हमें ऑलरेडी मालूम होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर, एयर के लिए जो प्रांटल नंबर है इट इज अप्रोक्सीमेटली होता है 0.7 के आसपास। ठीक है, अगर हम बात करें वाटर की, वाटर वाटर ठीक है, तो इसके लिए प्रांटल नंबर होता है अप्रोक्सीमेटली 7.5 के आसपास। आसपास आसपास इसलिए कह रहा हूं बिकॉज विद द चेंजेस ऑफ टेम्परेचर जो हमारी विस्कोसिटी है, ठीक है, यह थर्मल कंडक्टिविटी इन प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आता है। ठीक है, पर बहुत ज्यादा नहीं, मतलब फिर भी वैल्यूज आसपास रहती हैं। ठीक है, लिक्विड मेटल्स यानी मोल्टन मेटल, रिसर्च का एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। तो लिक्विड लिक्विड मेटल्स, इसके लिए जो प्रांटल नंबर की वैल्यू है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.01। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी यानी के वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनके प्रांटल नंबर कम होते हैं। ठीक है, तो मतलब लिक्विड मेटल्स एक एक्सेप्शन है, इसकी वैल्यू मतलब प्रांटल नंबर की वैल्यू 0.01 है, नहीं तो जनरली बाकी सभी चीजों की वैल्यू प्रांटल नंबर के, जैसे एयर के 0.7 है, 1 के आसपास है, तो 1 के आसपास या इससे ज्यादा ही रहती है जनरली, जनरली। ठीक है, तो और भी इसमें से क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आते हैं। एक बड़े कॉमन क्वेश्चन तो ये है क्या कि अगर प्रांटल नंबर 1 है तो डेल्टा और डेल्टा टी में क्या रिलेशन होगा? डेल्टा और डेल्टा टी दोनों बराबर होंगे। अगर प्रांटल नंबर 1 से ज्यादा है, अगर प्रांटल नंबर 1 से ज्यादा है तो ऐसे में क्या होगा? डेल्टा टी की वैल्यू कम होगी यानी थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस कम होगी और बाउंड्री लेयर थिकनेस ज्यादा होगी। और अगर प्रांटल नंबर 1 से कम है, काफी कम है, ठीक है, ऐसे में क्या होगा कि थर्मल बाउंड्री लेयर की थिकनेस बहुत ज्यादा होगी और बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के बात सारी है कि हाँ, रिसर्चर्स ने डेल्टा टी की वैल्यू निकाल ली है, और डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ रही है? इट इज डेल्टा डिवाइडेड बाय प्रांटल रेज टू पावर 1/3। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। सॉल्व क्यों हो चुकी है प्रॉब्लम? क्यों? क्योंकि जो डेल्टा है बाउंड्री लेयर थिकनेस, इसके फॉर्मूले फ्लूइड मैकेनिक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, हर सिचुएशन के, लैमिनेट के लिए अवेलेबल है, टर्बुलेंट के लिए अवेलेबल है, हर चीज के लिए फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हम यहां पर डेल्टा टी की वैल्यू पुट करके बड़े ही आराम से कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक वैल्यू हम निकाल के देखते हैं क्या आ रही है।
एक वैल्यू हम निकाल के देखते हैं और जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। यकीन मानिए, अगर आप सिर्फ फर्स्ट लेक्चर, सिर्फ एक कह रहा हूँ, तीन लेक्चर्स इन टोटल, अगर आप सिर्फ फर्स्ट लेक्चर भी अगर आप पूरा देख लेते हैं और उसे समझ लेते हैं, तो आप कन्वेक्शन से रिलेटेड नियरली 75% क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और तीनों लेक्चर्स अगर आप देख लेते हैं तो आप कन्वेक्शन से रिलेटेड ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा बीटेक लेवल का, आप बड़े ही आराम से उसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक वैल्यू हम निकाल के देखते हैं क्या आ रही है। सो एच इज इक्वल टू 3k बाय ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी, ठीक है, ये रिलेशन में निकाला था। और डेल्टा टी की वैल्यू हमने निकाल ली है, डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, इट इज डेल्टा डिवाइडेड बाय प्रांटल रेज टू पावर 1/3, ठीक है। तो पुट करते हैं इस वैल्यू को, सो इट इज 3/2 के डेल्टा टी, इट इज डेल्टा डिवाइडेड बाय प्रांटल रेज टू पावर 1/3, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई है हमारे एच की, ठीक है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। अब सपोज कीजिए केस लेते हैं लैमिनर फ्लो ओवर फ्लोइंग ओवर अ फ्लैट प्लेट, ठीक है। एक केस लेते हैं हम क्या कि फ्लो लैमिनर है और फ्लैट प्लेट के ऊपर ये जो एयर है वो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है। तो ऐसे केस में जो डेल्टा है, डेल्टा उसकी वैल्यू होती है 5x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर ई, ठीक है। ऐसे में जो वैल्यू आती है डेल्टा की, इट इज 5 बॉन्ड लेंथ थिकनेस की जो फॉर्मूला है, इट इज 5x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर ई, जहां पर x क्या चीज है, x है ये जो ये लीडिंग एज है, लीडिंग एज यहां से जो पॉइंट की दूरी है जहां पर हम स्टडी कर रहे हैं उसे x कहते हैं, ठीक है। दैट्स x, लीडिंग एज से उस पॉइंट की दूरी जहां पर हम स्टडी कर रहे हैं, दैट्स x, ठीक है। तो पुट करते हैं इसके अंदर, सो व्हाट वी गेट इज, हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी 3/2, ठीक है, इंटू के इंटू प्रांटल रेज़ टू 1/3, डेल्टा की वैल्यू है 5x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर ई, ठीक है। तो ये आ रहा है, ठीक है। तो क्या चीज है, 3k प्रांटल रेज़ टू 1/3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इंटू 2, डेल्टा की वैल्यू मैंने पुट किया 5x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर ई, ठीक है। तो h की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, सॉल्व करके देखते हैं, 5 to the 10 और 3/10 आ जाएगा 0.3, ठीक है, k डिवाइडेड बाय x और उसके बाद आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ रेनॉल्ड्स एंड क्यूब रूट ऑफ प्रांटल, ठीक है, प्रांटल रेज़ टू 1/3, ठीक है। एक छोटा सा काम करते हैं, छोटा सा काम क्या, x की वैल्यू इधर ले जाते हैं और k की वैल्यू इधर ले जाते हैं, k नीचे आ जाएगा, x ऊपर आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा hx डिवाइडेड बाय k इज इक्वल टू 0.3 रेनॉल्ड्स रेज़ टू पावर 1/2 प्रांटल रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है। यहां पर राजी हमारे पास एक नया डायमेंशनलेस नंबर आ गया है एंड दैट इज अवर नसल्ट नंबर, ठीक है। दिस इज व्हाट इज नोन एज नसल्ट नंबर, ये दिस, ये इसके क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। नसल्ट नंबर nu, इट इज h nu x इज इक्वल टू h x y k, दिस इज अवर नसल्ट नंबर, ठीक है। तो ये तो यार हमने एक अप्रोक्सीमेट एनालिसिस किया है, जो प्रॉपर रिलेशन, एग्जैक्ट रिलेशन, जैसे यहां पर 5 की जगह अगर आप एग्जैक्ट वैल्यूज वगैरह पुट करते हैं तो जो एग्जैक्ट रिलेशन निकल के आता है जो आपको याद रखना है, इट इज एन यू एक्स इज इक्वल टू 0.332 रेनॉल्ड्स रेज टू पावर 1/2 प्रांटल रेज टू पावर 1/3, ठीक है। नसेल्ट इज इक्वल टू 0.332 रेनॉल्ड्स रेज टू 1/2 प्रांटल रेज टू 1/3, ठीक है। अब राजे, मैंने ना आपको जब लेक्चर शुरू हुआ तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप सिर्फ पार्ट वन देख लेते हैं तो आप 75% क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों कहा था ये मैं आपको अब बताता हूं, ठीक है। एक्चुअल में राजे, कन्वेक्शन की कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसमें क्या होगा, आपको क्या निकालना होगा, या तो आपको हीट ट्रांसफर निकालना होगा या फिर आपको कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर एच कोफिशियंट एच की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। राजे, क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल होता है क्या, आपको क्वेश्चन के अंदर ही, आपको क्वेश्चन में ही क्या नसल्ट नंबर का फॉर्मूला दे रखा होता है, ठीक है। मतलब कुछ फॉर्मूले राजे बेसिक है,
जो आपको याद करने होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगर कुछ और फॉर्मूला आएगा जो मैं बता रहा हूँ उनके अलावा, तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है ना। तो होता क्या है राजी, क्या आपको कुछ नहीं करना, आपकी आंखों के सामने एक फॉर्मूला होगा, ठीक है। आपको उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी होंगी, जैसे यहां पर मैं रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू पुट करूंगा, यहां पे प्रेंटल नंबर की वैल्यू पुट करूंगा। रेनॉल्ड्स नंबर हमें मालूम है रो वी डी, रो वी एक्स बाय म्यू, ठीक है, और प्रेंटल नंबर है म्यू सी पी बाय के, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यूज मैं आराम से निकाल सकता हूं, ठीक है। तो मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा फॉर्मूले के अंदर और नसेल्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। और एक बार नसेल्ट नंबर आ गया, उसके बाद मैं नसेल्ट नंबर को पुट करूंगा एच एक्स बाय के, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट करूंगा, k की वैल्यू पुट करूंगा, तो मेरे पास हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हीट ट्रांसफर की किताब में कन्वेक्शन के जितने भी चैप्टर्स हैं सब में आपको यही काम करना है, ठीक है। सबके अंदर हम इसी काम को कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग चैप्टर्स इसलिए हैं, नसेल्ट नंबर के फॉर्मूले ढेर सारे हैं। फ्लैट प्लेट के लिए अलग है, फ्लैट प्लेट के ऊपर लैमिनर फ्लो के लिए अलग है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए अलग है, पाइप के अंदर लैमिनर फ्लो के लिए अलग है, टर्बुलेंट के लिए अलग है, किसी सिलेंडर के अंदर से हवा पास कर रही है फॉर्मूला अलग है, बाहर से पास कर रही है फॉर्मूला अलग है, स्फीयर के बाहर से हवा पास कर रही है फॉर्मूला अलग है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस जिसके लिए है हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्मूलाज, और वो उन चैप्टर्स के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्मूलाज हमें दे रखे हैं, जो कि हमें याद नहीं करने, हमें कुछ नहीं करना उन फॉर्मूलों का, फॉर्मूले हमें क्वेश्चन में दिए जाएंगे। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को, उस फॉर्मूले को प्रयोग करना कैसे, ठीक है। तो आपको बस यूज करना आना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया है कि क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला दे रखा है, उससे नसेल्ट नंबर की वैल्यू निकाल लो और नसेल्ट नंबर को पुट कर दो एच एक्स बाई के, उसकी मदद से आप एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसकी मदद से आप हीट ट्रांसफर बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अवर नसेल्ट नंबर, ये है हमारा नसेल्ट नंबर, ठीक है। तो कहानी अभी मतलब खत्म नहीं हुई है क्या, एक्चुअली यहां पर आपको नजर आ रहा होगा NUX, ठीक है। नसेल्ट स्टैंड्स फॉर, NU स्टैंड्स फॉर नसेल्ट, ठीक है। एंड X, जो यहां पर ये X लिखा हुआ है, इसका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब है, ठीक है। क्या एक्चुअली नसेल्ट का जो फॉर्मूला है इट इज एच एल बाई के, एच ए कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, के है थर्मल कंडक्टिविटी, एंड एल, एल इज करेक्टरिस्टिक लेंथ, ठीक है। एल क्या है, करेक्टरिस्टिक लेंथ, ठीक है। अब वो जो करेक्टरिस्टिक लेंथ है वो कौन सी है, वो हमें पता चलता है यहां से, जो ये नीचे लिखा होता है, ठीक है। जैसे इस केस में करेक्टरिस्टिक लेंथ एक्स है, यानी प्लेट की लंबाई है, प्लेट की उस पॉइंट की दूरी है लीडिंग एज से जहां की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर यहां पर लिखा हो एन यू डी, ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज है, यहां पर एच के साथ क्या आएगा, एच के साथ एक्स नहीं आएगा, एच के साथ क्या आएगा, डी, डायमीटर। डायमीटर हो सकता है स्फीयर का हो सकता है सिलेंडर का हो, ठीक है। तो ये जो नीचे लिखा होता है, ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि करेक्टरिस्टिक लेंथ कौन सी है जो मुझे इस फॉर्मूले में यहां पर एल की जगह पुट करनी है, ठीक है। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, एक दूसरा जो निहायत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये, क्या कि ये फॉर्मूला है एनयू एक्स का, ठीक है। इससे इससे क्या निकल के आएगा, एच एक्स बाई के, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्या कि राजी ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ना यहां पे, जो ये वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है, इससे जो नसेल्ट नंबर निकल के आ रहा है और इससे जो हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट एच निकल के आ रहा है, ये किसी पॉइंट पे निकल के आ रहा है, किसी पॉइंट पे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअली होता क्या है, कि जो हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट है, जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो हर पॉइंट पे अलग हो रही है, मतलब यहां अलग हो रही है, उसकी जो मात्रा है, मात्रा कितनी, क्वांटिटी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो अलग हो रहा है मतलब। और सच्चाई ये कि आप खुद इंजीनियर हैं एक, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि ये प्लेट गर्म है, ठीक है, और आगे से हवा आ रही है। क्या आपको इस बात का मतलब, आपको अंदर से महसूस हो रहा है कि जैसे जैसे हवा आगे जा रही है हवा गर्म होती जाएगी? क्या आपको ये लग रहा है कि जैसे जैसे यहां पर हवा का टेम्परेचर कम था और यहां पर हवा का टेम्परेचर ज्यादा है, वॉल का टेम्परेचर उतना ही है हर पॉइंट पे, ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो जो हीट ट्रांसफर है, क्या वो कम होता रहेगा,
ठीक है, क्या आपको कुछ ऐसा फील आ रहा है? तो मतलब बेसिकली क्या चीज़, जैसे हम आगे जा रहे हैं जो हीट ट्रांसफ़र है वो उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाती है, ठीक है, जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ से जो एच निकल के आएगा, ये वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट में निकल के आ रही है, ठीक है, और सच्चाई है ये हमारे इतने काम की नहीं है, ठीक है। हमें एच की वैल्यू किसी पॉइंट पे नहीं चाहिए, हमें एच की एक एवरेज वैल्यू चाहिए, एवरेज वैल्यू ओवर कंप्लीट प्लेट, ठीक है। पूरी की पूरी प्लेट पर एवरेज वैल्यू एच की क्या है, हमें वो निकालनी है, ठीक है। और वो निकालना बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है वो, ठीक है। फॉर्मूला में नोट कर लेता हूँ यहाँ पे, नसेल्ट एक्स इज इक्वल टू 0.332 रेनॉल्ड्स रेस्ट बा 1/2, प्रेंटल रेस्ट बा 1/3, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट यू मस्ट नो। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था हमारे पास, डेल्टा बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्रेंटल रेस्ट बा 1/3, ठीक है। और एक हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला किया था कि प्रेंटल खुद क्या होता है, इट इज काइनेटिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय अल्फा, और ये होता है म्यू सी पी बाय के, ठीक है। दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हमने अभी अभी पढ़े हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। तो लेट्स फाइंड द एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू निकाल के देखते हैं कि क्या आ रही है। एवरेज वैल्यू तो निकालेंगे, साथ में एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आता है हम उसे भी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अभी भी राजी, मैंने लिखा नसेल्ट नंबर NUX इज इक्वल टू 0.332 रेनॉल्ड्स रेस्ट बा 1/2, प्रांटल रेस्ट बा 1/3, ठीक है। फॉर्मूला अभी भी हमने लिखा है, ठीक है, नसेल्ट नंबर। और हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है कि हमें एच की एवरेज वैल्यू निकालनी है पूरी की पूरी प्लेट पर एवरेज वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो NUX ये बेसिकली क्या होता है, एच एक्स बाय एल, एच एक्स बाय के, ठीक है, इज इक्वल टू 0.332 रेनॉल्ड्स रेनॉल्ड्स या स्क्वायर रूट ऑफ रेनॉल्ड्स, ये क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, इट इज रो यू इंफिनिटी रो वी एक्स बाय म्यू, ठीक है। दिस इज माय रेनॉल्ड्स नंबर। एंड व्हाट इज प्रांटल नंबर, ये आएगा क्यूब रूट है यहां पे, ये क्यूब रूट है, इट इज म्यू सी पी बाय की, ठीक है। ये रिलेशन हमने डेवलप कर लिया, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एच एट एक्स डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस पे जो एक्स दूरी पर जो पॉइंट है वहां पर जो वैल्यू आ रही है, दिस दैट्स माय एच एक्स, ठीक है। अब यहां पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम से बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा। क्या कि एक बार सपोज कीजिए मैं आप ही से पूछूं कि एच की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा अगर आप वेलोसिटी को डबल कर दें, ठीक है। तो अगर आप देखें एच एक्स दूरी है कि हमारी थर्मल कंडक्टिविटी ये कांस्टेंट है, डेंसिटी दूरी विस्कोसिटी विस्कोसिटी स्पेसिफिक हीट के, ठीक है, क्या आ रहा है बेसिकली आपको यहां पर नजर आ रहा है कि एच इज क्लियरली नजर आ रहा है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ यू इंफिनिटी, ठीक है। जो एच है वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टू इंफिनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ यू इंफिनिटी के, मैंने फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अगर वेलोसिटी को डबल कर दो तो एच पे क्या असर पड़ेगा, तो अगर आप वेलोसिटी की जगह अगर ट्वाइस ऑफ यू इंफिनिटी कर दें, ठीक है, एच टू, ठीक है, तो नया जो एच टू आएगा दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, ये स्क्वायर रूट टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ यू इंफिनिटी टाइम्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये बेसिकली क्या आ गया, एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ यू इन्फिनिटी, ठीक है। तो एच टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट स्क्वायर रूट ऑफ टू यू इन्फिनिटी, वेलोसिटी को मैंने डबल कर दिया, ठीक है, तो स्क्वायर रूट टू में बाहर ले आया। सो व्हाट इज दिस स्क्वायर रूट ऑफ यू इन्फिनिटी इंटू कॉन्स्टेंट, ये क्या है, एच वन, ठीक है। सो एच टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू एच वन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में काफी आते हैं कि अगर आप वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो एच पे क्या असर पड़ेगा, एच रूट टू गुना बढ़ जाएगा, रूट टू टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजों का असर कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट एच पर स्टडी किया जाता है। तो आप किसी का भी इफेक्ट देख सकते हैं, आप विस्कोसिटी दोनों जगह पे असर देख सकते हैं, आप स्पेसिफिक हीट का असर, थर्मल कंडक्टिविटी का असर, डेंसिटी का असर, किसी भी चीज का असर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में काफी आते हैं,
ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एच की, हमें हमारा जो टास्क है वो है एक एवरेज वैल्यू निकालना, और आप देख रहे हैं क्या कि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, एक एक्स यहां पर आ रहा है और एक एक्स यहां पर आ रहा है, ये बात आपको नजर आ रही है? ठीक है, तो एक एक्स यहां आ रहा है, एक एक्स आ रहा है, ये एक्स है स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट, ठीक है, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि एच इज इक्वल टू, बाकी सारी चीजें क्या है कॉन्स्टेंट, तो एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई, ये एक्स नीचे लेके आ रहा हूं एक्स, ठीक है, एच इज इक्वल टू, ये भी कॉन्स्टेंट है, डेंसिटी कॉन्स्टेंट, यू इन्फिनिटी कॉन्स्टेंट, म्यू कॉन्स्टेंट, म्यू कॉन्स्टेंट, सीपी कॉन्स्टेंट, के कॉन्स्टेंट, के इज कॉन्स्टेंट, एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंट, वेरिएबल है मेरा सिर्फ एक्स पॉइंट की दूरी आगे पीछे, ठीक है, ये वेरिएबल सिर्फ यही है, सो एच इज इक्वल टू सी स्क्वायर रूट एक्स बाय एक्स, या फिर ये क्या हो जाएगा सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स, ये आ गए, वेयर सी इज अ कॉन्स्टेंट, जहां पर सी क्या चीज है, कोई भी कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, तो ये एच का मैंने फॉर्मूला निकाल लिया और मेरे टास्क है एवरेज वैल्यू निकालना पूरी की पूरी प्लेट पे, ठीक है, तो अब मैं निकालता हूं एच एवरेज, एच के ऊपर बार, दैट्स एच एवरेज, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो से लेकर एल तक पूरी प्लेट पे निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, इट इज एच एच डी एक्स डिवाइडेड बाय जीरो से लेकर एल तक डी एक्स, ठीक है, जीरो से लेकर एल डी एक्स, ये मुझे पूरी प्लेट की लेंथ देगा, ठीक है, और जीरो से एल तक एच डी एक्स, ठीक है, दैट विल गिव मी द टोटल वैल्यू ऑफ एच, ठीक है, पूरा जो हीट निकल रही है, ठीक है, तो पूरी जो प्लेट में जो हीट कन्वेक्ट हो रही है डिवाइडेड बाय कंप्लीट लेंथ ऑफ प्लेट, ठीक है, दैट विल गिव मी माई एवरेज वैल्यू, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहां पे, एच की वैल्यू पुट करते हैं सी स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स, तो ये कॉन्स्टेंट है राजे, लिख ही देता हूं मैं, जीरो से लेकर एल तक सी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स डिवाइड बाय जीरो से लेकर एल तक, अगर आप इंटीग्रेट करेंगे डीएक्स को, तो डीएक्स का इंटीग्रल इंटीग्रल होता है एक्स, और इसकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं जीरो से लेकर एल तक, सो इट विल बी एल माइनस जीरो इज इक्वल टू एल, ठीक है, ये आ गया एल, तो नीचे ये आ गया है मेरे पास L, नीचे आ गया मेरे पास लेंथ L, ठीक है, तो जीरो से लेकर L तक जब मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं, ठीक है, हम जानते हैं कि x रेज टू पावर n का इंटीग्रल dx होता है x रेज टू पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन, ठीक है, तो x रेज टू पावर डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट x, तो x रेज टू पावर माइनस वन बाय टू का इंटीग्रल क्या होगा, x raised to power minus 1 by 2, इसका इंटीग्रल होगा x raised to power minus 1 by 2 plus 1 divided by minus 1 by 2 plus 1, ठीक है, तो ये क्या आ गया, x raised to power 1 by 2 divided by 1 by 2 is equal to 2 square root x, ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रल क्या आ गया मेरे पास 2 square root x, ठीक है, तो रब कर रहा हूं ये सारा, रब कर रहा हूं, ठीक है, is equal to h bar की वैल्यू क्या है 2 square root x डिवाइडेड बाय एल, और इसकी वैल्यू पुट करनी है जीरो से लेकर एल तक, ठीक है, कांस्टेंट भी था कांस्टेंट, ये रहा कांस्टेंट, यहां पे बाहर कांस्टेंट भी आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कांस्टेंट, जीरो से लेकर एल तक पुट करूंगा स्क्वायर रूट एल माइनस स्क्वायर रूट जीरो, दैट विल गिव माई स्क्वायर रूट एल बाय एल, इससे ये कट जाएगा, यहां स्क्वायर रूट आ जाएगा, और मेरे पास क्या आएगा टू सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एल, ठीक है, आपको मालूम है c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट l क्या चीज है, देखिए यहां पर c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट l, ठीक है, ये आ गया ट्वाइस ऑफ c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट l, ये क्या चीज है, ट्वाइस ऑफ h एट x इज इक्वल टू l, ये क्या है मेरा h की एवरेज वैल्यू ओवर कंप्लीट प्लेट, दिस इज एन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हम एग्जाम्स में इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो हमने राजे हमने क्या निकाल लिया यहां पे, हमने इस एनालिसिस से क्या निकाल लिया, क्या कि जो एवरेज वैल्यू है एच बार, जो एवरेज वैल्यू है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की ओवर कंप्लीट प्लेट, इट इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एट एंड ऑफ द प्लेट, ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्या कि पूरी की पूरी प्लेट पे जो एवरेज कॉफिशियंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा ड्यू टू कन्वेक्शन
एवरेज वैल्यू एच बार वो क्या होगी, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर एच की वैल्यू निकाल लीजिए, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर एच की वैल्यू निकाल लीजिए एट एक्स इज इक्वल टू एल, बिल्कुल प्लेट के लास्ट पॉइंट पर एच की वैल्यू निकाल लीजिए, जो लास्ट पॉइंट पर जो वैल्यू आ रही है, ये एनालिसिस हमने किया लैमिनर फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट के लिए, लैमिनर फ्लो के लिए मैं एनालिसिस कर रहा हूँ फ्लैट प्लेट के ऊपर, ठीक है। तो जो आप लास्ट पॉइंट पर जो वैल्यू निकालते हैं एवरेज वैल्यू, उसका डबल आती है, डबल, ठीक है। तो एच बार की वैल्यू डबल हो जाएगी। सेम अगर मैं, या नसेल्ट नंबर क्या होता है, नसेल्ट नंबर इज एच एक्स बाय के, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर एच बार यूज करूंगा तो मुझे नसेल्ट नंबर की क्या मिलेगी, एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। तो और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स को मैं एल पुट कर दूंगा, ठीक है। सो नसेल्ट नंबर का फॉर्मूला जो हो जाता है, इट इज एन यू बार एवरेज वैल्यू ऑफ नसेल्ट नंबर, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ नसेल्ट नंबर, इट गिव्स यू एवरेज हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट एच, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस फॉर्मूले को दुगना कर दूंगा, दुगना टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो इट गिव्स मी 0.664 रेनॉल्ड्स रेस्ट टू 1/2 प्रांटल रेस्ट टू 1/3। ये सो दिस इज द वैल्यू ऑफ माई एवरेज नसेल्ट नंबर, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करिएगा, आपको जो भी फॉर्मूला दे रखा है देख लीजिएगा कि वो किस चीज के लिए दे रखा है, एवरेज के लिए दे रखा है या किसी पॉइंट के लिए दे रखा है। अगर नसेल्ट नंबर के ऊपर लाइन डली हुई है दैट मीन्स इट इज एवरेज वैल्यू, अगर लाइन नहीं डली हुई दैट मीन्स किसी पॉइंट के लिए दे रखा है, ठीक है ना। तो किसी पॉइंट के लिए वैल्यू दे रखिए तो आप उसकी मदद से एवरेज वैल्यू निकालिए पहले, ठीक है ना। फिर एवरेज वैल्यू या एवरेज नसेल्ट नंबर निकालिए, एवरेज नसेल्ट नंबर से जो एच की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी योर एवरेज एच। नाउ दिस विल गिव यू द हीट ट्रांसफर, कंप्लीट हीट ट्रांसफर बिटवीन द प्लेट एंड द एयर, ठीक है ना। तो इस इतनी नॉलेज से आप बड़े ही आराम से कन्वेक्शन के किसी भी एग्जाम के 75% ऑफ द क्वेश्चंस बड़े ही आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कुछ और अगर पॉइंट्स में अगर आप जानना चाहते हो मैं आपको बता देता हूं क्या, कि जो भी फिल्म की, अब जैसे हम इतना कुछ पुट कर रहे हैं यहाँ पे, डेंसिटी पुट कर रहे हैं हम, ठीक है, विस्कोसिटी पुट कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट पुट कर रहे हैं, थर्मल कंडक्टिविटी पुट कर रहे हैं, ठीक है। ऑल द प्रॉपर्टीज, जितनी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज होती है फ्लूइड की एट द फिल्म टेम्परेचर, ठीक है, एट द फिल्म टेम्परेचर, ठीक है। एक नई टर्म आ गई आपके सामने, फिल्म टेम्परेचर। अब ये क्या होता है, एक्चुअली राजी कन्वेक्शन की प्रॉब्लम्स में चार तरह के टेम्परेचर्स होते हैं, चार तरह के, ठीक है। एक होता है TW, ये क्या होता है, वॉल का टेम्परेचर, ठीक है। एक होता है T-इन्फिनिटी, ठीक है, T-इन्फिनिटी, ये क्या होता है, ये होता है फ्री स्ट्रीम, जो फ्लूइड बह रहा है उसका दूर कहीं उसका टेम्परेचर, फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर, फ्लूइड का टेम्परेचर, ठीक है। फिल्म टेम्परेचर ये क्या होता है, अब अगर किसी प्रॉब्लम के अंदर दीवार के और फ्लूइड के टेम्परेचर में काफी फर्क है तो हो सकता है फ्लूइड की प्रॉपर्टीज अलग हो उसके अपने टेम्परेचर पे और दीवार के टेम्परेचर पे। ऐसे में जो न्यूमेरिकल के अंदर जो हम फ्लूइड की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं फिल्म के टेम्परेचर में, दैट इज टी गिवन बाय टी वॉल प्लस टी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय टू। तो मतलब ये फ्लूइड के टेम्परेचर का और दीवार के टेम्परेचर का एवरेज होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, फिल्म टेम्परेचर। राजी न्यूमेरिकल्स के अंदर प्रॉपर्टीज फिल्म टेम्परेचर पे इस्तेमाल की जाती हैं अगर फ्लूइड किसी प्लेट के ऊपर या बाहर बह रहा है, ठीक है ना, किसी प्लेट के ऊपर या बाहर बह रहा है, ऐसे में जो प्रॉपर्टीज है वो फिल्म टेम्परेचर पे ली जाती हैं, ठीक है ना। अगर कोई फ्लूइड किसी डक्ट के अंदर बह रहा है, अगर किसी चीज के अंदर बह रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है, फ्लूइड इसके अंदर बह रहा है, अंदर, ठीक है, ऐसे में जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर इवैल्यूएटेड एट बल्क टेम्परेचर, ठीक है। बल्क, ये बल्क टेम्परेचर क्या होता है, बल्क टेम्परेचर होता है इस पूरे, ये एक डक्ट है इसके अंदर फ्लूइड बह रहा है, ठीक है, तो उस पूरे फ्लूइड का जो एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, इसे मिक्सिंग कप टेम्परेचर भी कहते हैं, उस पूरे फ्लूइड का जो एवरेज टेम्परेचर है दैट इज व्हाट इज नोन एज एवरेज टेम्परेचर, इज दैट इज व्हाट इज नोन एज बल्क टेम्परेचर, ठीक है, दैट इज व्हाट इज नोन एज TB, ठीक है। तो ये चार तरह के टेम्परेचर्स होते हैं, अगर कोई फ्लूइड किसी डक्ट के अंदर बह रहे तो हम बल्क टेम्परेचर पे प्रॉपर्टीज लेते हैं, और अगर कोई फ्लूइड किसी प्लेट के बाहर बह रहा है,
ठीक है किसी सिलेंडर के बाहर बह रहा है, ऐसे में जितनी प्रॉपर्टीज है वो फिल्म के टेम्परेचर पे लेते हैं, ठीक है। कई बार राजी ऐसा भी होता है क्या, जैसे कुछ आपको अगर आप देखें अपनी बुक के अंदर नसेल नंबर का कोई फॉर्मूला है, उसके अंदर टर्म आ रही है, म्यू डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू, ठीक है। मतलब आप पहली बार देखेंगे तो एकदम से आपको लगेगा यार ये म्यू डिवाइड बाय म्यू डब्ल्यू ये क्या चीज है, म्यू विस्कोसिटी ये समझ आ रहा है ठीक है, पर ये भी म्यू ये भी म्यू फॉर्मूले के अंदर। एक्चुअल में जो म्यू ऊपर वाला है, अगर किसी प्लेट के ऊपर फ्लो की बात हो रही है तो जो ऊपर वाला म्यू है ये है विस्कोसिटी एट फिल्म टेम्परेचर, ठीक है, ये वह विस्कोसिटी एट फिल्म टेम्परेचर। अब इसके नीचे अगर वॉल लिखा है म्यू वॉल, दैट मीन्स इट इज द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड एट द टेम्परेचर ऑफ वॉल, ठीक है। यार राजी यही वो चीज है क्या कि एग्जाम के अंदर आपको फॉर्मूले दे रखे होते हैं पर आपको उस फॉर्मूले का प्रयोग कैसे करना है ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। बिना पढ़े मतलब हालांकि फॉर्मूला दे रखा होगा पर तब भी जब तक आपको उसको यूज नहीं करना आता आप उसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी मदद से हम कन्वेक्शन के मोस्टली सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कन्वेक्शन अभी आगे और भी है, ये तो उसका एक इनिशियल पार्ट है, दैट मतलब आपकी बुक का मे बी शायद चैप्टर नंबर 1 जो कन्वेक्शन का है ये वो होगा, ठीक है। इसके बाद और भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें आती हैं, जैसे ये नसल्ट नंबर का जो रिलेशन है हमने सिर्फ लैमिनर फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट के लिए निकाला है, ठीक है। उसके बाद यही काम हम टर्बुलेंट फ्लो के लिए करते हैं, ठीक है, मतलब जिसके लिए हमने डेवलप किया है कोलबर्न एनालॉजी, जिसके अंदर हम एच को जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट है, जो नसल्ट नंबर वगैरह है, जो हीट ट्रांसफर है हमने इसे कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन से रिलेट किया है, ठीक है। फिर हम स्टडी करते हैं, इसी चीज से हम डेवलप करते हैं डिटस बोल्टर रिलेशनशिप, ठीक है, और है फ्लो थ्रू पाइप्स टर्बुलेंट के लिए लैमिनर के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्री कन्वेक्शन, ठीक है, फ्री कन्वेक्शन आ जाता है हमारे पास। फ्री कन्वेक्शन के अंदर हमारे पास अलग अलग तरह के नंबर्स हैं फ्री कन्वेक्शन से एसोसिएटेड, जैसे फॉर एग्जांपल है गेरशॉफ नंबर या मॉडिफाइड गेरशॉफ नंबर, ठीक है, या रेलिग नंबर, ठीक है। ऐसे ही जब फ्री और फोर्स्ड दोनों ही कन्वेक्शन इकट्ठे एक ही टाइम पर प्रेजेंट होते हैं ऐसे में एक नया नंबर आता है ग्रेट्स नंबर, ठीक है। या फिर जब आप मोल्टन मेटल की आप बात करते हैं, मोल्टन मेटल के अंदर ही ट्रांसफर हो रही है तो एक नया नंबर आता है दैट इज पेकलेट नंबर, ठीक है ना। तो ये काफी सारे नंबर्स हैं जिनके बारे में हम बाकी के सेकंड और थर्ड पार्ट में बात करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच, जो सेकेंड और थर्ड पार्ट है ये हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है।